हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मीम कॉइन ने काफ़ी बढ़िया पॉपुलैरिटी बनाई है, और आज अगर मीम कॉइन के अंदर अगर बात करते हैं तो बेबी डॉज कॉइन जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। मीम कॉइन के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था अच्छा खासा उन्होंने गेन भी किया है, और आज हम ये समझते हैं कि जो भी अगर मार्केट का अगर जो क्रेज़ जो चल रहा हो उस क्रेज़ के हिसाब से अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो हम भी क्या है कि इन फ्यूचर अच्छा खासा प्रॉफिट जो है कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 1 जून 2021 को मिस्टर क्रिश्चियन ने क्या है कि इसको लॉन्च किया था, और बेबी डॉज कॉइन जो है आपका आज एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया है जिसमें आपको बताना चाहेंगे कि ये जो कॉइन जो है BSE टेस्टनेट पे लाइव हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बेबी डॉज कॉइन जो है BSE टेस्टनेट पे लाइव हो गया है दोस्तों, और इसके बाद में इसकी पॉपुलरिटी जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से अगर बात अगर करते हैं तो इसका आज का जो प्राइस जो है वो है 0.801685, यानी कि 1.87% जो है इंक्रीज़ यहाँ पे देखने को मिला है हमें। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे बताएंगे कि ये बेबी डॉज कॉइन जो है अपना एक एप्लीकेशन भी लेके आ रहा है जिसके अंदर क्या है कि iOS और Android दोनों पे आपको ये अवेलेबल मिलेगा, और इसमें आपको वो सभी फैसिलिटी जो मिलेंगी जो कि एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको चाहिए हैं। जैसा कि मान लीजिए आप इससे क्या है कि क्रिप्टो करेंसी को क्या है कि आप बाय कर सकते हैं, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी जो है अगर सेंड अगर करना है तो सेंड भी आप कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऑलमोस्ट जितनी भी फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो सभी फैसिलिटीज़ जो हैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। अगर मैं बात अगर करता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर इनका क्या कुछ पावर है, क्या कुछ परफॉर्मेंस है, तो वो भी आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे दोस्तों कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग ये लगा के चलिए 13 लाख टोकन होल्डर्स इनके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बेबी डॉज कॉइन के बारे में अगर बात अगर करते हैं तो लगभग ये लगा के चलिए 13 लाख जो है इनके टोकन्स होल्डर हैं दोस्तों। अब इसके बाद में क्या है कि लगभग 2 लाख प्लस जो है इनके टेलीग्राम मेंबर्स हैं, और 8,80,000 प्लस जो हैं इनके ट्विटर पर क्या है कि फॉलोवर्स हैं, 2,45,000 हैं इनके इंस्टाग्राम फॉलोवर। तो अगर मैं बात अगर करता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ भी क्या है कि इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है किया है दोस्तों। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जैसा कि आपको पता होगा कि डोगी कॉइन के बाद में क्या है कि बेबी डॉग के अंदर इन्होंने एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था, और वो ट्वीट करने के बाद में क्या है कि इसका कोस्ट का अगर बात अगर करते हैं तो लगभग वो वहाँ पे डबल इनका प्राइस हो गया था दोस्तों, और जिसके बाद में बेबी डॉज ने क्या है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि एलन मस्क अगर किसी करेंसी के अंदर अगर इंटरेस्ट अगर लेते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि उसके अंदर क्या कुछ होता है। तो आज आपको इतना ही कहेंगे कि अगर आप इस कॉइन को अगर परचेज अगर करना अगर चाहते हैं तो ये एक राइट टाइम है परचेज करने का दोस्तों। लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूँगा, अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आप ट्रेड अगर करते हैं तो देखिए दोस्तों, पेशेंस जो है आपके अंदर 101% होना चाहिए। अगर पेशेंस अगर आपके अंदर अगर नहीं है तो क्रिप्टो करेंसी आपके लिए नहीं है दोस्तों। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगा, मैं आज जो बुरा दौर जो आप देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, आगे आने वाले समय के अंदर वो भी समय आने वाला है जब सभी कॉइन के अंदर अच्छा खासा गेन आपको देखने को मिलेगा, और ये सब चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा, और लॉस अगर होगा तो प्रॉफिट भी होगा। ये जो चीज़ें हैं इनसे बिल्कुल भी हमें घबराना नहीं चाहिए। बाकी आपको ये भी कहूँगा मैं कि अगर आप कहीं पे भी कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो अपना खुद का रिसर्च भी जो है वो ज़रूर कीजिए। बाकी बेबी डॉज के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच गाइस।